हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है द इनेमी, जिसको लिखा है पर्ल एस बक ने, आज हम लोग इस लेसन के पार्ट फाइव को स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके 1 से लेकर 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और प्रत्येक पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है नेक्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक दे दिया है, आप चाहे तो प्रत्येक पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पार्ट फोर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, ये मस्ट गेट रेड ऑफ हिम तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज हम लोगों को जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, सदाओ गोज टू सी द जनरल। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप लिखा है कि सदाओ गोज टू सी द जनरल, सदाओ जनरल से मिलने के लिए जाता है। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, कह रहा कि निसंदेह जो है जनरल ने वीकली मतलब कमजोर आवाज में बोला। आई अंडरस्टैंड फुली, उसने वह कह रहा है कि मैं जो है अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टू के डिग्री इन प्रिंसटन सो फ्यू जैपनीज है, कह रहा कि बट दैट इज बिकॉज, लेकिन ऐसा इसलिए है कि मैंने प्रिंसटन से एक डिग्री ली थी। इसमें कह रहे हैं बट दैट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, आई वंस मैंने एक बार जो है टू के डिग्री इन प्रिंसटन, मैंने प्रिंसटन से एक डिग्री ली थी, सो इस कह रहा है कि सो फ्यू जापानीज है, इस प्रकार जो है बहुत कम जापानियों के पास ये डिग्री है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, वो कह रहा है कि आई केयर नथिंग फॉर द मैन, उसने एक्सेलेंसी सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा कि एक्सेलेंसी मतलब साहब, आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मुझे उस आदमी की चिंता नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, कह रहा कि लेकिन जो है हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन इतनी सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन करने के बाद, मतलब इतना ही बोल पाता है, यस यस द जनरल सेड, इतना ही बोल पाता है, तभी जनरल कहता है कि हाँ हाँ, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है आवश्यक, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है आवश्यक होता है। तो जनरल कह रहा है कि यस यस, कह रहा है कि हाँ हाँ, इट ओनली मेक्स मी फील, कह रहा है कि यह मुझे इस बात का को अनुभव करने के लिए मजबूर करता है कि यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, कि तुम मेरे लिए और आवश्यक हो। जनरल कहता है कि इससे तो मुझे यही एहसास होता है कि तुम मेरे लिए और भी आवश्यक हो। एविडेंटली कह रहा है कि ये बात स्पष्ट है कि यू कैन सेव एनी वन, कि तुम किसी को भी बचा सकते हो, यू आर सो स्किल्ड, तुम इतने कुशल हो, तुम इतने निपुण हो कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टूडे, लाइक यू से तुम कह रहे हो कि यू थिंक तुम्हारा ख्याल है कि आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक, कि मुझे एक ऐसा अटैक और आ सकता है एज आई हैव हैड टूडे, जैसा कि आज मुझे आया था। उसका कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि इविडेंटली स्पष्ट रूप से तुम्हारा कहना है कि तुम कहते हो कि यू थिंक, तुम्हारा ख्याल है कि आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक, कि मैं एक अटैक और सह सकता हूँ, मतलब हार्ट अटैक, एज आई हैव हैड टूडे, जैसा कि आज मुझे अटैक आया था वैसा एक अटैक मैं और सह सकता हूँ, ऐसा तुम्हारा कहना है। फिर कह रहे हैं कि नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि एक से ज़्यादा नहीं, सदाओ का मतलब कि एक से ज़्यादा अटैक आप सहन नहीं कर सकते। देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तो जनरल कह रहा है कि देन सर्टनली, तब निश्चित रूप से आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दे सकता, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। द जनरल सेड विथ एंग्जाइटी, जनरल ने चिंता के साथ कहा, मतलब चिंतित होते हुए इस बात को उन्होंने कहा कि तब तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दे सकता। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस, करे उसका लॉन्ग पेल जैपनीज फेस, उसका लंबा और पीला जापानी चेहरा बिकेम एक्सप्रेशनलेस, वह जो है एक्सप्रेशनलेस हो गया, अर्थात भाव शून्य हो गया। विच मीन्स, जिसका मतलब ये था कि ही वॉज इन डीप थॉट, कि वह गहरी सोच में पड़ गया था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुमको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता,
दी जनरल सेट, जनरल ने कहा क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए उसने कहा कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सपोज मान लो कि यू आर कंडेम टू डेथ, मान लो कि तुम्हें मौत की सजा होती है। कंडेम टू डेथ का मतलब मौत की सजा होना, तो वही कह रहा है कि सपोज मान लो कि यू आर कंडेम टू डेथ, तुम्हें मौत की सजा होती है एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन आई हैड टू हैव एनी ऑपरेशन, आई हैव टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना है। उससे कह रहा है कि तुम्हारी गलती के लिए जो है तुम्हें मौत की सजा नहीं हो सकती, क्योंकि मान लो कि तुम्हें मौत की सजा होने वाली है और अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन है, तब क्या होगा। देर आर अदर सर्जन्स एक्सलेंसी सदाओ सजेस्टेड, सदाओ ने सजेस्ट किया मतलब सुझाव दिया कि एक्सलेंसी उसने कहा कि साहब देर आर अदर सर्जन्स, दूसरे सर्जन्स भी हैं। नॉन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, तो जनरल उत्तर दिया कि नॉन आई ट्रस्ट, मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मन्स, कि द बेस्ट वन वंस हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मन्स, कह रहे जर्मनों के द्वारा जो है सबसे अच्छे लोगों को ट्रेंड किया गया है। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल, कह रहा है कि और वो लोग जो है ऑपरेशन को तब भी सफल मानेंगे इवन इफ आई डाई, यदि मैं मर भी जाऊँ। जनरल कह रहा है कि सबसे उत्तम वे लोग हैं जो जर्मनी में पढ़े हैं या जर्मनी ने जिन लोगों को ट्रेंड किया है, अगर मैं मर भी गया तो वे ऑपरेशन को सफल मानेंगे। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब दृष्टिकोण, कह रहा है कि मुझे उनके दृष्टिकोण की चिंता नहीं है या उनके विचारों की चिंता नहीं है। ही साइड, उसने गहरी सांस ली। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रेडलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटीमेंटेलिटी, तो कह रहा है कि इट सीम्स अ पिटी, कह रहा है ये बड़ी दया की बात है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत दुखद लगता है कि वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, कि हम अच्छी तरह से कंबाइन नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते हैं, किसको नहीं मिला सकते हैं, द जर्मन रेडलेसनेस, कह रहा है कि जर्मनी वालों की रेडलेसनेस का मतलब निर्दयता को विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, अमेरिका वासियों की भावुकता से। जो जनरल था उसने आप भरते हुए कहा कि यह दुखद लगता है, क्यों हम जर्मन निर्ममता को अमेरिकन भावुकता से नहीं जोड़ पाते। फिर कह रहा है कि देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर, प्रिजनर इज कैदी, कह रहा है देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एक्सक्यूशन, तो तुम अपने जो है कैदी को मौत की सजा दे सकते हो, मौत दे सकते हो। एंड एट, और फिर भी आई कुड बी श्योर, मुझे विश्वास रहेगा कि यू वुड नॉट मर्डर मी, कि तुम मेरी हत्या नहीं करोगे, वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, यदि मैं बेहोशी में भी रहूँ तो, यदि मुझे विश्वास है कि यदि मैं बेहोशी में भी रहूं तो तुम मेरी हत्या नहीं करोगी, और तुम जो है अपने कैदी को मौत दे सकते हो। द जनरल लॉफ्ट, जनरल हंसा, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके पास असाधारण समझ थी, असाधारण ज्ञान था ह्यूमर मतलब हास्य का, उसके पास हास्य की असाधारण समझ थी। एज ए जापानी के रूप में कुड यू नॉट कंबाइन, क्या तुम मिला नहीं सकते हो दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, इन दो विदेशी तत्वों को, ही आस वह पूछा, उसने पूछा कि जापानी के तौर पर तुम जो है इन दो विदेशी तत्वों को मिला नहीं सकते हो। सदाओ स्माइल, सदाओ मुस्कुराया, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास नहीं है। ही सेड, उसने कहा, बट फॉर योर सेक, लेकिन आपके लिए आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सलेंसी, उसने कहा कि एक्सलेंसी मतलब साहब, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, मेरी जो है इसे यह प्रयास करने की इच्छा है, मतलब यह प्रयास मैं करूँगा। इसमें कह रहे हैं कि दी जनरल सुख ही सेड, जनरल ने अपने सिर को हिलाया, आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, वह कह रहा है कि मैं परीक्षा की वस्तु नहीं बनना चाहता। ही सेड, उसने कहा, ही फेल्ट सडनली वीक, वो अचानक जो है कमजोर महसूस करने लगा एंड ओवरवेल्ड, और व्याकुल महसूस करने लगा, मतलब व्याकुल मतलब चिंतित महसूस करने लगा, विद द केयर्स, उन चिंताओं से, कह रहा है वो अचानक जो है वीक मतलब कमजोर एंड ओवरवेल्ड और व्याकुल महसूस करने लगा विद द केयर्स ऑफ इस लाइफ, अपने जीवन की चिंताओं के कारण। एज एन ऑफिशियल, जैसा कि एक ऑफिशियल की मतलब सरकारी कर्मचारी के रूप में, इन टाइम्स समय समय पर, सच एज दिस वेन रिप्टेड विक्ट्री,
उसे प्राप्त होने वाली रिपीटेड मतलब बार बार प्राप्त होने वाली विजय ने जो है ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ला दी है ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। कह रहा है कि बार बार मिलने वाली विजय ने जो है पूरे जो साउथ पैसिफिक है जो दक्षिणी प्रशांत सागर है उसमें उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। तो इसमें है कि जनरल ने अपना सिर हिलाया, उसने कहा कि मैं परीक्षा की वस्तु नहीं बनना चाहता। वह बोला पूरे दक्षिण सागर पर होने वाली बार बार की विजय ने उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी ला दी है और उसे अचानक कमजोरी और जो है व्याकुलता महसूस होती है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वह कहता है कि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है दैट कि दिस मैन शुड हैव वॉस्ट अप ऑन योर डोरस्टेप कि यह जो आदमी है वॉस्ट अप बह करके ऑन योर डोरस्टेप तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। ही सेड इरिटेबली उसने जो है चिढ़ते हुए स्वर में या दुखी स्वर में कहा आई फील इट सो माई सेल्फ मुझे भी ऐसा लगता है। सदाओ सेड जेंटली सदाओ ने विनम्रतापूर्वक कहा सदाओ ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब आगे कह रहा है कि इट वुड बी बेस्ट कह रहा है कि यह सबसे अच्छा होगा इफ यू कुड बी क्वाइटली किल्ड यदि उसको जो है क्वाइटली मतलब चुपचाप किल्ड मार दिया जाए यदि उसको चुपचाप मार दिया जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। दी जनरल सेड जनरल ने कहा नॉट बाई यू तुम्हारे द्वारा नहीं जगह मतलब तुम नहीं मारोगे बट बाई समवन लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हु डज नॉट नो हिम जो उसे नहीं जानता है। आई हैव माई ओन प्राइवेट एजेंसेंस वह कह रहा है कि मेरे दो प्राइवेट एजेंसेंस हैं मतलब दो निजी हत्यारे हैं उसने कहा मेरे पास दो निजी हत्यारे हैं। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस कह रहा है कि मान लो कि मैं उनमें से दो को तुम्हारे घर भेज देता हूँ टुनाइट आज रात आर बेटर या बेहतर हो कि एनी नाइट किसी भी रात यू नीड नो नथिंग अबाउट इट तुम्हें इसके बारे में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म कह रहा है कि अब मौसम भी गर्म है। वाट वुड बी मोर नेचुरल कह रहा है कि इससे ज़्यादा स्वाभाविक क्या हो सकता है देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन इससे ज़्यादा स्वाभाविक क्या होगा कि यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन तुम जो है जो वाह पार्टीशन है पार्टीशन मतलब जो वाह दरवाज़ा है ऑफ द वाइट मैंस रूम उस गोरे आदमी के कमरे का ओपन टू द गार्डन जो बगीचे में खुलता है उसे जो है तुम खुला रहने दो कराए उस गोरे आदमी के कमरे का जो आउटर पार्टीशन है जो वाह भाग है जो बगीचे में खुलता है उसको तुम खुला रहने दो व्हाइल ही स्लीप्स जब वह सो रहा हो। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल सदाओ एग्रीड सदाओ जो है एग्रीड मतलब सहमत हो गया वह भी कराया कि सर्टेनली निश्चित रूप से इट वुड बी वेरी नेचुरल यह बहुत स्वाभाविक होगा। इन फैक्ट वास्तव में इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट कह रहा है कि वास्तव में यह तो हर रात को खुला ही रहता है। गुड बहुत अच्छा उसे कह रहा है कि अच्छा द जनरल सेड जनरल ने कहा यानी मतलब जम्हाई लेते हुए जनरल ने कहा कि अच्छा दे आर वेरी कैपेबल एजेंसेंस कह रहा है कि वे जो है बहुत कैपेबल एजेंसेंस है मतलब बहुत सक्षम हत्यारे हैं। दे मेक नो नॉइज़ कह रहा है कि वह शोर नहीं करते हैं एंड दे नो द ट्रिक और वे ट्रिक भी जानते हैं किस कौन सी ट्रिक आप इनवॉर्ड ब्लीडिंग वह ऐसी ट्रिक भी जानते हैं कि जिससे खून न बहे मतलब वह जो है उसका कहने मतलब है कि वह बिना खून बहे उसकी हत्या कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक ये तुम चाहो तो आई कैन इवन हैव देम मैं उनसे कह दूंगा कि रिमूव द बॉडी कि वे बॉडी को भी हटा दें कराए जनरल कराए कि ये तुम चाहो तो मैं उनसे कह दूंगा कि वे बॉडी को भी वहाँ से हटा देंगे। सदाओ कंसिडर्ड सदाओ ने विचार किया That perhaps would be best. कह रहा है कि शायद यह सबसे अच्छा होगा एक्सलेंसी कह रहा है साहब यह शायद सबसे अच्छा होगा। ही एग्रीड वह सहमत हो गया थिंकिंग ऑफ हाना के बारे में सोचते हुए वह सहमत हो गया। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस तब उसने जो है जनरल उस जनरल की उपस्थिति को छोड़ दिया अर्थात जनरल को वह छोड़ दिया वहाँ से देन एंड वेंट होम और वह घर चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान
और उस योजना के बारे में सोचते हुए वह घर चला गया। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। इन दिस वे इस तरह द होल थिंग कह रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों से ले ली जाएंगी। अर्थात उसका कहने का मतलब है इस प्रकार वह सारे मामले से मुक्त हो जाएगा। He would tell Hana nothing. वह हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। Since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. इसमें कह रहा है कि he would tell Hana nothing. वह हाना से कुछ भी नहीं बताएगा। Since she would be timid, जैसा कि वह डर जाएगी, at the idea of assassins in the house. घर में हथियारों के होने के विचार से, जैसा कि वह जो है घर में हथियारे हैं, इस विचार से वह डर जाएगी। एंड एट और फिर भी सर्टेनली निश्चित रूप से सच पर्सन्स वेर एसेंशियल, ऐसे लोग आवश्यक होते हैं इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, एक तानाशाही राज्य में। एब्सोल्यूट स्टेट मतलब तानाशाही राज्य। तो कह रहा है कि एक तानाशाही राज्य में ऐसे लोग जो है आवश्यक होते हैं, सच है जापान में, जैसा कि जापान था। कह रहा है कि ऐसे तानाशाही राज में ऐसे लोग आवश्यक होते हैं। कह रहा है कि हाउ इल्स कुड रूलर्स डील विद दोस, कह रहा है कि किस प्रकार जो रूलर्स है, मतलब किस प्रकार जो शासक है, डील विद दोस, उन लोगों के साथ वो कैसे निपटेगा हु अपोज देम, जो उसका विरोध करते हैं। ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना होता है। टू अलाउ एनी थिंग, कह रहा है कि उसने किसी भी चीज़ को अनुमति देने से इनकार कर दिया, बट रीजन, केवल बुद्धि के अलावा, सिवाय बुद्धि की। टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड, कह रहा है कि अपने मन के वातावरण में उसने बुद्धि के अतिरिक्त किसी और चीज़ को प्रवेश करने से इनकार कर दिया। एज ही वेंट इन टू द रूम, जब वह कमरे में गया, वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, जहाँ पर अमेरिकन जो है अपने बिस्तर में था। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज, तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, तो उसने पाया कि वह आदमी बिस्तर पर नहीं है। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वह आदमी बिस्तर पर नहीं है। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और वह जो है बागीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। What is this? He exclaimed. वह जो है उसने कहा, exclaimed यहाँ पर लगा रहे, समझ लो exclamatory sentence है, और वहाँ पर कोई हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हो रही। तो he exclaimed, उसने पूछा कि what is this? ये क्या है? Who gave you permission to leave your room? उसने कहा कि who gave you permission? तुम्हें स्वीकृति किसने दी? To leave your room, तुम्हारा अपना कमरा छोड़ने के लिए। Leave means छोड़ना। तुम्हें जो है अपना कमरा छोड़ने की अनुमति किसने दिया? तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की अनुमति किसने दी? आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गैली। उसने कहा कि आई एम नॉट यूज, मैं आदि नहीं हूँ टू वेटिंग फॉर परमिशन, अनुमति का इंतजार करने का। टॉम सेड गैली, टॉम ने कहा, गैली मतलब प्रसन्नतापूर्वक या खुश होते हुए। गोस, उसने कहा कि गोस, मैं परमिशन का आदि नहीं हूँ। आई फील प्रेटी गुड अगेन, कह रहा है कि मुझे पुनः अच्छा लग रहा है। बट लेकिन विल द मसल्स ऑन दिस साइड एलवेज फील स्टीफ, कह रहा है लेकिन जो विल द मसल ऑन दिस, कह रहा है लेकिन इस तरफ की मसल जो है मांसपेशी, एलवेज फील स्टीफ, हमेशा कड़ी रहेगी। कह रहा है कि क्या इस तरफ की मांसपेशियाँ सख्त ही रहेंगी? इट इज़ सो, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा कि ऐसी बात है। सरप्राइज्ड मतलब हैरान होकर के सदाव ने पूछा कि ऐसी बात है। ही फॉरगॉट ऑल इल्स, वह सभी बातों को भूल गया। फिगर है कि नाउ आई थॉट, अब मैंने सोचा कि आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, कि मैंने उसका काम कर दिया है, या मैंने सोचा कि मैंने उसका इंतजाम कर दिया। अब सोचा कि नहीं, मैंने इसका तो इंतजाम कर दिया है, आ जाए दो हत्यारे आएंगे, इसका काम खत्म कर देंगे।
ही मर्मर वह बुदबुदाया, वो अपने मन में बुदबुदाया, उसने कहा कि नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, उसने लिफ्टेड उठाया द एज ऑफ द मैन शर्ट, कराए उस आदमी के शर्ट के किनारे को, एंड गेस्ट और ध्यान से देखा एट द हीलिंग स्कार, हीलिंग स्कार का मतलब ठीक होता हुआ घाव, उसने जो है उसके शर्ट के किनारे को उठाया और उसे ठीक होते हुए घाव को देखा, चूंकि स्कार का मतलब घाव का निशान होता है ना, उसके ठीक होते हुए घाव के निशान को देखा। मैसेस मेडूट ही सेड, उसने कहा कि मैसेस मेडूट, यहाँ पर मैसेज काम कर सकता है, मतलब मालिश काम कर सकती है, या उसका कहने मतलब है कि मालिश शायद इसको ठीक कर दे। ही सेड, वह बोला इफ एक्सरसाइज डज नॉट, यदि एक्सरसाइज, यदि व्यायाम से काम नहीं होता है तो मैसेज यहाँ पर जो है मालिश से काम हो जाएगा, तो यह मालिश से ठीक हो जाएगा, ये जो सख्त मांसपेशी है वो सही हो जाएगी। इट वोंट बॉदर मी, बॉदर मीन्स होता है परेशानी होना, ठीक है, बॉदर मीन्स परेशानी होना होता है, तो कह रहा है कि इट वोंट बॉदर मी मच, क्या मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। द यंग मैन सेड, उस वह युवा व्यक्ति बोला, हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, करें कि हिज यंग फेस, उसका चेहरा, उसका युवा चेहरा वॉज गॉन्ट, गॉन्ट का मतलब होता है पतला, गॉन्ट का मतलब क्या होता है, पतला होता है, लीन होता है, उसका युवा चेहरा पतला था अंडर द स्टबली, स्टबली का मतलब होता है शॉर्ट एंड थिक, स्टबली मतलब क्या होता है शॉर्ट एंड थिक, अर्थात छोटा और घना, और ब्लॉन्ड का मतलब होता है भूरा, और बियर्ड मीन्स दाढ़ी होती है, तो कह रहा है कि हिज यंग फेस, उसका युवा चेहरा जो है वॉज गॉन्ट, पतला दिखाई दे रहा था अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, कह रहा है कि उस छोटी घनी और भूरी दाढ़ी में। से डॉक्टर, सुनो डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग, मेरे पास कुछ है, आई वॉन्ट टू से टू यू, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसने कहा कि सुनो डॉक्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। If I had not met a Jap like you, Jap का मतलब Japanese, यदि मैं तुम्हारे जैसे किसी जापानी से न मिला होता, well, I won't be alive today, तो आज मैं जिंदा न होता। I know that, मैं यह जानता हूँ। सदाव बोर्ड, सदाव जो है झुकता है, अर्थात सदाव बोर्ड, सदाव ने अपना सिर झुकाया, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वह बोला नहीं। श्योर, निश्चित रूप से, आई नो दैट, मैं यह जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, वार्मली का मतलब जोश में, टॉम जो है करा वेंट ऑन वार्मली, और जोश में अपनी बात कहता गया। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स, उसमें कह रहा है कि हिज बिग थिन हैंड, कह रहा है उसे बड़े थिन हैंड्स, थिन मीन्स पतले, पतले हाथ जो है ग्रिपिंग, पकड़े हुए थे अ चेयर, एक कुर्सी को पकड़े हुए थे, और वर वाइट एट द नकल्स, और उसकी नकल्स पर, नकल मतलब पोर, उंगलियों का जो पोर होता है, और उस उंगलियों के पोर पर वह जो है सफ़ेद हो गए थे। उसका कहने का मतलब है कि उसके लंबे पतले हाथ कसकर कुर्सी को पकड़े हुए थे, और उसकी उंगलियों का जो पोर है वह सफ़ेद था। तो कह रहा है कि आई गेस, मैं मानता हूँ कि इफ़ ऑल द जैप्स वेर लाइक यू, यदि सारे जापानी तुम्हारी तरह हों, देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर, तो युद्ध की नौबत ही ना आए। उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर सारे जापानी आप जैसे होते तो युद्ध न होता। परहेप्स, सदाओ सेड विद डिफिकल्टी, सदाओ ने कठिनाई से कहा कि परहेप्स, शायद ऐसा होता, उसका कहने मतलब शायद ऐसा होता। एंड नाउ आई थिंक, और अब मैं सोचता हूँ कि यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने बिस्तर पे चले जाओ। ही हेल्प द बॉय, उसने उस लड़के की मदद की बैक इन टू बेड, वापस बिस्तर में, बिस्तर पर जाने में उसने जो है उस लड़के की मदद की। एंड देन बोर्ड, और तो अपने सिर को झुकाया, गुड नाइट कहा, ही से उसने गुड नाइट कहा। जापानी लोग जब सिर झुकाते किसी के सामने तो मतलब सम्मान में ऐसा करते हैं। इसमें कह रहा है कि सदाओ स्लिप्ट बैडली दैट नाइट, सदाओ उस रात जो है बैडली सोता है, अर्थात बैटिंग मतलब बुरे तरीके से, अच्छे ढंग से नहीं, मतलब उसका कहने मतलब है कि उस रात सदाओ को नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम, समय समय पर, अगेन ही वह जाग जाता, थिंकिंग, यह सोचते हुए कि ही हर्ड द रस्टलिंग ऑफ फुट स्टेप, कि उसे जो है पैरों के रस्टलिंग की आवाज़ आ रही है, मतलब पैरों के
सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही है। दिस साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, किसी टहनी के टूटने की आवाज़ आ रही है। आर अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या किसी स्टोन मतलब पत्थर के बगीचे में डिस्प्लेस मतलब गिरने की आवाज़ आ रही है। उसमें कह रहा है कि उस रात सदाओ को ठीक से नींद नहीं आई, बार बार वह जाग जाता था। उसे लगता था कि उसने कदमों की सरसराहट, किसी टहनी के टूटने की आवाज़ अथवा किसी पत्थर के बगीचे में गिरने की आवाज़, ऐसा सुर जो वे लोग कह रहा है कि ऐसा सुर जो वे लोग करते हैं जो किसी बोझ को लेकर चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि यह नॉइज एक ऐसा सुर मतलब ऐसा सुर सुनाई दे रहा था सच ए मैन माइट मेक, जैसे वे लोग करते हैं हु कैरिड अ बर्डन, जो कि बर्डन लेकर चलते था जो बोझ लेकर चलते हैं, वैसा सुर उसको सुनाई दे रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज, अगली सुबह उसने बहाना बनाया टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, गेस्ट रूम में सबसे पहले जाने का, क्योंकि उसने सोचा कि हो सकता है कि आज इसको मार दिया गया हो, तो वही बहाना बनाता है कि वो सबसे पहले उसमें जाएगा, क्योंकि हानाक उसने बताया नहीं था कि नहीं जनरल जो है इसकी हत्या करवाना चाहता है। इफ द अमेरिकन वर गॉन, यदि वो अमेरिकन चला गया होगा, ही देन कुड सिंपली टेल हाना, तो वह हाना से बता देगा कि सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, कि यह सब जनरल के निर्देश हुआ, ऐसा जनरल के डायरेक्शन पर हुआ, मतलब जनरल ने ऐसा निर्देश दिया था। बट लेकिन व्हेन ही ओपेंड द डोर, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला, ही सा एट वंस, तो उसने तुरंत देखा कि देयर ऑन द पिलो, कि तकिए पर जो है वहाँ तकिए पर वाज द सैगी, कह रहा है कि वह जो है बिखरे बालों वाला ब्लॉन्ड हेड, कह रहा है भूरे रंग का सिर उस पर पड़ा हुआ था। ही कुड हियर, वह सुन सकता था द पीसफुल ब्रीदिंग, कह रहे शांतिपूर्ण ब्रीदिंग, सांस लेने की आवाज़ ऑफ स्लीप, मतलब सोते वह जो है सोते हुए सांस लेने की शांतिपूर्ण आवाज़ को सुन सकता था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, क्वाइटली में शांतिपूर्वक, और उसने शांतिपूर्वक दरवाजे को पुनः बंद कर दिया। ही इज़ अस्लीप, वह सो रहा है। ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा, ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, कह रहा है कि ही इज ऑलमोस्ट वेल, वह लगभग लगभग पूरी तरह अच्छा हो गया है, मतलब वह अच्छा हो गया है टू स्लीप लाइक दैट, इस तरह सोने के लिए, अर्थात उसका कहने मतलब कि उसका इस तरह सोना जो है ये दर्शाता है कि वह एकदम वेल, मतलब वह एकदम से अच्छा हो चुका है। वॉट शैल वी डू विथ हिम, हम लोग उसका क्या करेंगे। हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रेफरेन, इसमें कह रहा है कि वॉट शैल वी डू विथ हिम, हम उसका क्या करेंगे। हाना विस्पर्ड, हाना ने धीरे से कहा हर ओल्ड, कह रहा है कि अपनी उस पुरानी रेफरेन, चीर परिचित स्वर में या चीर परिचित टेक में, चूंकि रेफरेन का शाब्दिक अर्थ होता है गाने की टेक, जो जो गाने का अंतिम भाग होता है शब्द होता है उसको, ठीक है, अर्थात उसने जो है अपने उस पुरानी शैली में उससे कहा कि हम लोग इसका क्या करेंगे। सदाओ सुख हिज हेड, सदाओ ने अपने सिर को हिलाया। आई मस्ट डिसाइड, हमें निर्णय करना पड़ेगा इन ए डे आर टू, एक या दो दिन में। ही प्रॉमिस, उसने वादा किया कि हमें एक या दो दिन में निर्णय करना पड़ेगा जिससे या क्या करेंगे। कह रहा कि बट सडनली, लेकिन निश्चित रूप से ही थॉट, उसने सोचा द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कह रहा है जो सेकेंड नाइट है, कह रहा है मस्ट बी द नाइट अर्थात मस्ट बी द लास्ट नाइट, कह रहा है कि जो दूसरी रात है वह अंतिम रात होगी। उसने फिर आशा लगाया कि नहीं जो है दूसरे दिन लगता है जो जनरल के हत्यारे हैं आकर के इसका काम तमाम कर देंगे। देयर रोज अ विंड, कह रहा है कि एक हवा चली, कह रहा है कि तेज हवा चली दैट नाइट, उस रात तेज हवा चली। एंड ही लिसेंड, और उसने सुना टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बग, बेंडिंग में झुकती हुई बग में टहनियाँ, झुकती हुई टहनियों की आवाज़ को सुना। एंड विस्टलिंग पार्टीशन, और विस्टलिंग मतलब सीटी मारते हुए पार्टीशन दरवाजे की आवाज़ को सुना। उसका कहने का मतलब है कि उस रात तेज हवा चली और उसने झुकती शाखाओं और सीटी मारते दरवाजों की आवाज़ें सुनी। आया कि हाना ओक अप टू, इसमें कह रहा है कि हाना ओक टू, हाना भी जाग गई। आर्ट वी नॉट टू गो, क्या हमें नहीं जाना चाहिए। एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, और उस बीमार व्यक्ति के दरवाजे को बंद नहीं कर देना चाहिए, सिया उसने पूछा। उसका कहने का मतलब है कि हमको जा करके उस बीमार व्यक्ति के दरवाजे को बंद नहीं कर देना चाहिए। नो, सदाओ ने कहा कि नहीं। ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कह रहा है कि वह जो है अब यह स्वयं करने के योग्य है, अर्थात वह अब यह स्वयं कर सकता है, मतलब वह स्वयं दरवाजे को बंद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, वह अमेरिकी जो है वह अमेरिकी वहाँ पर था।
इसमें कराया, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा अगली सुबह द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, वह जो अमेरिका था वह अब भी वहाँ पर था, तो उस रात भी उसकी हत्या नहीं हुई। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, कराए तब जो है तीसरी रात जो है निश्चित रूप से अंतिम रात होगी। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एब्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, कह रहा है कि जो तीसरी रात होगी वो अंतिम रात होगी। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, जो जो विंड थी, जो हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, चेंज टू क्वाइट रेन, वह बारिश में बदल गई। एंड द गार्डन, और जो बगीचा था वॉज फुल ऑफ द, वह भरा हुआ था किससे, साउंड ऑफ ड्रिपिंग एप्स, एप्स का मतलब होता है ओरी। ओरी किसको बोलते हैं, जैसे कोई मकान है तो ये इस तरह जो बना होता है, ठीक है, तो ये वाला भाग, ठीक है, इसको ओरी बोलते हैं, ये वाला भाग जो है मकान का, इसको ओरी बोलते हैं, ये वाला किनारे वाला भाग जो बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक है। करे और किसकी आवाज़ सुनता है, करे कि साउंड ऑफ ड्रिपिंग इप्स, करे कि रिसते हुए पानी, रिसते हुए ओरी की आवाज़, ओरी से पानी रिसने की आवाज़ सुनता है। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और रनिंग मतलब बहते हुए स्प्रिंग मतलब झरनों की आवाज़, मतलब बहते हुए झरने की पानी की आवाज़ को सुनता है। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाव थोड़ा बेहतर सोया, फिर उस रात जो है वह थोड़ा बेहतर सोया। बट ही ओक अप, लेकिन वह बट ही ओक, लेकिन वह जाग गया एट द साउंड ऑफ क्रैश, क्रैश मतलब किसी टूटने की आवाज़ को सुनकर, लेकिन वह जो है किसी टूटने की आवाज़ सुनकर जाग गया। एंड लिफ्ट टू हिज फीट, और अपने पैरों पर उछल के खड़ा हो गया। वॉट वॉज दैट, हाना क्राइड, हाना ने चिल्लाते हुए कहा कि वॉट वॉज दैट, कौन वो, कौन सी चीज़ है, मतलब उसका कहने मतलब क्या टूटा है, ये कैसी आवाज़ आई। दी बेबी ओक, बच्चा बच्चा भी जाग गया एट हर वॉइस, उसकी आवाज़ को सुनकर। एंड बिगेन टू वेल, और वह रोने लगा, वेल मीन्स रोना, रोना क्राई। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर, लेकिन उसने जो है उसको पकड़ लिया, किसने, सदाओ ने हाना को पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसे हिलने नहीं दिया वहाँ से। सदाओ सी क्राइड, वह चिल्लाई, सदाओ What's was the matter with you? तुम्हें क्या हो गया है? Don't go, he muttered. वह जो है बुदबुदाया, उसने कहा कि डोंट गो, मत जाओ, डोंट गो, मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो सदाव था वो सोच रहा था कि नहीं, उस अमेरिकन की हत्या करने के लिए लोग आए हैं। His terror infected her, करे उसके भय ने, मतलब सदाव के भय ने infected her, उसको भी प्रभावित किया। And she stood breathless, और वह जो है सांस रोके खड़ी थी, waiting, इंतजार करती हुई। देर वॉज ओनली वन साइलेंस, वहाँ पर केवल शांति ही थी। टुगेदर साथ साथ दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड, वह वापस बिस्तर पर चले गए। द बेबी बिटवीन देम, और बच्चा जो है उन दोनों के बीच में था। फिक्र है कि एट वेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि फिर भी जब उन्होंने दूसरे दिन उस गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला, देर वॉज द यंग मैन, तो वह युवा व्यक्ति वहाँ पर था। उन्होंने सोचा, रात में सोचा कि नहीं लगता है इसका काम तमाम हो गया, लेकिन दरवाज़ा खोलकर देखते हैं कि वह युवा व्यक्ति वहीं पर है, वह जिंदा है। ही वॉज वेरी गे, वह बहुत प्रसन्न था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और पहले ही जो है मतलब वह हाथ मुँह धो चुका था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। ही हैड ऑस्ट फॉर ए रेजर स्टडे, कल उसने रेजर मांगा था। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और उसने स्वयं अपनी दाढ़ी बनाई थी, उसने सेविंग किया था। एंड टूडे, और आज देर वॉज ए फेंट कलर इन हिज चिक्स, और आज उसके चेहरे पर क्या था, एक फेंट कलर था, मतलब एक हल्की लाली थी उसके चेहरे पर। उसने कहा कि आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि आई एम वेल, मैं खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो है ये दैनेमी लेसन का जो फिफ्थ पार्ट है, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।